नमस्कार। गांव धनाना, जिला सोनीपत, हरियाणा। बहुत शुभ दिन 8 सितंबर 1951 को इस पृथ्वी पर जगत के तारणहार जगत गुरु तत्वदर्शी संत रामपाल जी महाराज का गांव धनाना के इस पावन धरती पर अवतरण हुआ। दोस्तों, हम इस गांव धनाना की पावन धरती को पवित्र इसलिए कह रहे हैं कि गरीबदास जी महाराज जी ने अपनी अमृतमय वाणी में कहा है कि धन नगरी धन भूमि धन, धन करणी धन देश, धन करणी धन कुल धन, जहां साधु प्रवेश। इस दास ने 17 फरवरी 1988 में परमात्मा की शरण मिली थी और उस दिन के बाद 6 वर्ष 1994 तक दास ने जेई की पद पर सर्विस की। काम करते, अपनी ड्यूटी करते करते भी हम भक्ति करते हैं, हमारा रूल यही है, काम भी करो, भगवान ना भूलो, बुराई छोड़ दो। लेकिन 1994 में परमात्मा ने आदेश दे दिए गुरु महाराज ने कि तू इस काम ने संभाल। अब गुरु की आज्ञा का अवहेलन करना भगत का काम नहीं होता। जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद चौरासी के, भाई जो गुरु बचन पर डट गए कट गए फंद चौरासी के। और उन्होंने अचानक मुझे बुलाकर पास बैठा लिया, कहने लगे आज से तू नाम दिया करेगा, और जितने भी वर्तमान संगत थी सबको कह दिया और सबको बता देना कि जो इसको गुरु नहीं मानेगा वो मेरा कुछ नहीं होगा। मेरे पसीने आ गए कि मैं तो 2 कौड़ी का जीव, एक मजदूर आदमी, और परमात्मा ये इतना बड़ी जो है ना, इतना बड़ा जिम्मेवारी का काम, और उनके पुराने पुराने भक्त निरे थे, लाल कपड़े पहन कर बाबा जी भी बन रहे थे, उनके साथ रहा करते, उनको सबको निकाल दिया था उनकी त्रुटियां देख जाकर। हमने नहीं पता था के हो रहा है, क्या इनका मालिक का उद्देश्य है। जब वो 104-105 साल की उम्र थी उस महापुरुष की, हमारे पूज्य गुरुदेव की, और कहा मैं तेरे साथ रहूंगा। और तीसरा शब्द एक दिन कहा था कि रामपाल तेरे सब बराबर इस संसार में संत नहीं होगा, पूरे विश्व में तेरे बराबर संत नहीं होगा। अब इस दास का और संत का के मेल था, हम तो भगत थे, दास थे, भगवान की भक्ति करते थे, अपनी नौकरी भी करते थे, बच्चे भी पालते थे। अब कहते हैं साध वचन पलटे नहीं चाहे पलट जावा ब्रह्मंड, उनका वचन नहीं पलट सकता, उन्हें जो कह दिया सो कह दिया। तो वही ये फल गया, नहीं हमारी तो घर के ना सुने थे शुरू में, अकेला नाम ले रहा था, बालक भी तो बालक छोटे थे, वो तो घर जैसे कहूँ था मान जाए थे, उनकी माँ नहीं माने, फिर मेरे माता पिता नहीं माने, अगले भाई पुरानी लाग कुकर छोड़ना, बड़े सांके में पा आया, फिर परमात्मा से अर्ज करी, धीरे धीरे वो समझन लागे, ना सुनते तो भी बोले जानता बावड़े की तरह, तो धीरे क्यों कान न कैसे बंद करेंगे वहाँ बैठे हुए। तो ये ऐसा निर्मल ज्ञान है, एक बार अंदर गया सुबह कैसी सरंजा जानते काम करेगी दवाई। तो धीरे धीरे कान के माध्यम से ये दवाई भेजी जाती है, और आज देख लो रंग ला दिया परमात्मा ने उस परम पिता पूज्य गुरुदेव जी की शब्द शक्ति से सब काम चल रहा है, और कबीर परमेश्वर हमारे सिर पर रहते। तो परमात्मा उस दिन के बाद सन 1995 में इतने 1 साल के बाद इतने पाठ हम घर घर पाठ किया करते थे, 3 दिन पाठ करते थे, और एक दिन पहले जाना पड़ता था, ये दास स्वयं सेवा करता था, घर घर जाके उनके सब जहां हमने पाठ करने का स्थान देखना होता था उसकी सफाई करते थे, कईयों का देख का कमरा होता बड़ा सा, उसी में पाठ भी करना, उसी में खाना भी बनाना, उसी में खाना भी उसी में, सोना भी उसी में, तो उस ढंग से अपनी सेटिंग कर लेते हम, इतनी जगह हम पाठ कर लेंगे। तो मेरा जाना अति आवश्यक था उस समय, क्योंकि ये स्टार्ट था भक्ति का, और स्टार्ट था इस 500 यज्ञ करने का, किसी को नहीं मालूम था, बच्चे थे सहयोग देने लगे, और धीरे धीरे फिर वो क्या हुआ कि इतने पाठ हो गए कि मुझे नौकरी, पहले तो क्या करता था, शुक्रवार को पाठ प्रारंभ किया, शुक्र शनि ड्यूटी करके सामने चले जाते बृहस्पतिवार को, शुक्रवार को रात ने तैयारी करते, शुक्रवार को शनिवार को अब पाठ प्रारंभ करके अपनी नौकरी पर चला जाता, फिर शाम ना आ लेता, शनिवार इतवार की छुट्टी हो जाती, काम चल रहा था। वो हफ्ते हफ्ते हुए, फिर होने लगे डेली
अब अफसर भी दुखी और मैं भी दुखी। तो फिर उस दिन रिजाइन कर दिया परमात्मा के नाम पर। 18 साल की नौकरी होगी थी मेरी। हालांकि कुछ और भी हमारे साथी कह रहे थे, भाई अभी 2 साल और डट जाओ, आपकी पेंशन बन जाएगी। वाह भैया, पेंशन तो करा कितनी बार होगी। जो पेंशन ई बनेगी ना, या कदे नहीं बनी थी, या असंग जन्मों की पेंशन बन जाएगी। तो वो तो इस बात को नहीं समझे थे, उन्हें तो मुझे मूर्ख ही समझा और दास की। सौभाग्य था कि मुझे नौकरी या मजदूरी मिल गई भगवान की, और उसकी पुण्यात्माओं को दलदल से निकालने की। कहते आत्म प्राण उधार ही, ऐसा धर्म नहीं। और धर्म तो और भी है, दान करते हैं, भूखों को भोजन देते हैं, ऐसा है कि सहाय करते हैं, लेकिन जो आत्म प्राण उधारी, ऐसा धर्म नहीं। और धर्म तो ये भी है जो गौशाला बना रखी है। धर्म वो भी है जो चिड़िया ऊपर चुग्गा डाल देते हो पशु पक्षियों को, वो भी विकलांगों के जो ऑपरेशन वगैरह कराए जा रहे हैं वो भी धर्म है, अनाथ आश्रम है वो भी धर्म है। लेकिन जो आज गऊ हैं उनकी सेवा कर रहे हैं, अच्छी है, क्योंकि कोई भी प्राणी है, चाहे भैंस है, पशु है, कोई किसी प्रकार का, सबकी सेवा हमने इसी दृष्टिकोण से करनी चाहिए, क्योंकि सब में एक जैसा जीव, वो भी धर्म है। लेकिन अब तो वो आज वो गाय है, आज कोई भैंस है, और जन्म होने के बाद फिर वो सूअर की जूनी में जा सकती है, उस बीमारी तो कौन छुटाएगा उसको। तो ये ज्ञान, ये भक्ति, ये आत्मा इस जीव को उद्धार करेगी। वो फिर 84 लाख योनियों में नहीं जाएगा, या तो मनुष्य शरीर होगा, नहीं सतलोक चला जाएगा। तो कहते हैं आत्म प्राण उधारी, ऐसा धर्म नहीं। और तो इस दास को ये आत्म प्राण यानी जीवात्मा के उद्धार की मजदूरी मिल गई, और सहरस शुक्र मनाता हूं प्रभु, आपने कैसे दया करी 2 कोटि के जीव पर। और ऐसे निर्मल भगवान की महिमा, ओए होए होए, जिसके नाम लेते हैं रोंग रोंग खड़े हो जाते हैं। उसके बाद परमात्मा की ऐसी महिमा हुई, अब मुझे इतनी खुशी होती है, कैसा निर्मल समाज तैयार हो रहा है। बीड़ी शराब मांस तम्बाकू उसको देखकर भी राजी नहीं है। अब ये पुण्यात्मा दोनों हाथों दान करते हैं, और हम पहले लूटन पर लगे रहा करते थे, पाप बढ़ाते थे, ये माया साथ नहीं जानी थी कि इतना नरक इकट्ठा कर रहे थे। और परमात्मा क्या कहते हैं, सतगुरु के सिजदा करूं कर्म छुटाए कोटि, और जो ऐसे सतगुरु की निंदा करें फिर जम तोड़ेंगे होठ। अब जी जो लोग बिना देखे सोचे समझे और भक्तों की संतों की बुराई करते हैं, अब क्या बताते हैं कि सतगुरु के सिजदा करो जिसने कर्म छुटाए कोट, करोड़ों पाप कर्मों से हटाकर और पुण्य कर्मों पर लगा दिया, कितने पाप कर्म बचा दिए हमारे। और जैसे ऐसे सतगुरु की जो निंदा करते हैं, कहते हैं उनके जम तोड़ेंगे होठ, यम के दूत उनके इसे लठ मारेंगे, चाहे कितने लागो मुंह पे ओठा पे ओठ, इसलिए कहा कि इस पर ज्यादा दर्द होया करे, सोई भी बड्डी आया करे। तो कहते हैं वो जम तोड़ेंगे होठ जो बकवाद किया करते थे, संतों की निंदा करते थे। नितानंद जी महाराज ने यहां तक कहा है, भाई तू ना मानता ना, ठीक है अपना और काम कर ले, और कुछ कह सुन ले, पर संत की निंदा मत करिए, ये तेरे लिए बहुत जबरदस्त पाप बन जाएगा। लेकिन जो इस मार्ग से परिचित नहीं, वो नादान बच्चे आग में हाथ दे देते, बिजली के तार को छू लेते, और ज्ञान होता सत्संग से, और सत्संग में ये काल नहीं आने देता। तो उस दिन के बाद परमात्मा की ऐसी रजा हुई कि बाग लाग गया भगवान का, है। और यही प्रार्थना करता रहा, परमात्मा तेरे बच्चे तुझे समझे पहचाने, दास को ये नौकरी दी है, इसमें सफल भी आप ही करोगे। इन लोगों ने तो आपको भी नहीं बख्शा था, जब जिसमें आप यहां आए थे, एक काशी में 120 वर्ष रहकर गए, सारा जीवन आपके पीछे पड़े रहे,
उन दुष्ट आत्मा स्वार्थियों ने अपने स्वार्थ के लिए जनता को सत्य ज्ञान नहीं समझने दिया और परमात्मा को बहुत यातनाएं दी गई। अब उनकी जो यातनाओं उनके साथ जो हुए संघर्ष को देखकर इस दास का दिल डटा हुआ है कि हमारे साथ तो अभी कुछ भी ना हुआ है, जो उस परमात्मा के साथ कितना तेल के कढ़ाई में डाल दिए, कितना काट काट के घेर दिए, कितना कुएं में डाल के ऊपर से डले ठोक दिए और फिर भी डोके न पाए। वो तो समर्थ थे और जनता कुछ नहीं बिगाड़ सकी और ना ही उनको समझ सकी। समझना चाहिए था, कुछ लोग समझे भी थे, लेकिन बाद में फिर वो ठीक ढंग से ना लगे तो भगवान ने उनको स्वयं ही रिजेक्ट कर दिया था। परमात्मा क्या बताया करते थे, कैसा ऑथेंटिक उदाहरण दिया करते थे, अपने आत्माओं क्या बताते हैं भाई, सिर साटे की भक्ति है और कछु नहीं बात, सिर के साटे पाई यो अवगत अलख अनाथे। अब शीश कैसे देना है, शीश ये नहीं भाई काट के सिर चढ़ा दे भगवान के चरणों में, ऐसे नहीं। जैसे आपको परसों के सत्संग में सुना था कि गुरुदेव को समर्पण कर दिया जाए, समर्पण का अर्थ यह है कि जो आज्ञा दे वही की जाए, चाहे वो बुरा लग रहा है चाहे अच्छा लग रहा है, उसमें हमारा हित है अति हित होता है। और संत क्या कहते हैं भाई, बीड़ी शराब मस्त मखुए मत पीना। संत कहते हैं चोरी जारी नहीं करना, डाके ना डालना, किसी की जेब ना काटना, ये महापाप है तेरे लिए, अपना करके खाना बेटा, भगवान भजना, इससे तेरा कल्याण होगा। और हम यही वचन नहीं मानेंगे तो फिर यहाँ स्कूल में आने की आवश्यकता क्या, इस विद्यालय में सत्संग में आने की आवश्यकता क्या। हम गलतियाँ भी गलती गलती पे गलती करते रहे और फिर सत्संग में भी आ रहे हैं तो वो फेल हो जाओगे विद्यार्थी, वो पास नहीं हो पाएंगे।